दोस्तों सबसे पहले हैप्पी होली। आज आप लोग क्या करते हैं कमेंट में जरूर बताइए, लेकिन कलर वगैरह पक्का रंग का इस्तेमाल नहीं करिएगा, पानी वगैरह का थोड़ा सा बचा के रखिएगा, और भैया वो सब जो है थोड़ा सा अलग लेवल पे करिएगा, समझ रहे हो, ज्यादा लेवल पे नहीं करिएगा, थोड़ा देखिएगा, क्योंकि हम भी बहुत ज्यादा होली वगैरह खेले। अबे साले, अपने दोस्तों के साथ जब मैं कॉलेज में था, बैंगलोर में था, तो बहुत ज्यादा खेलते थे, मजा आता था। कुछ लोगों को मिस भी कर रहा हूँ आज के दिन में, तो उनको सबको आपको हैप्पी होली, आप लोग खुश रहिए। और गूगल जो हैप्पी होली मना रहा है एक अलग टाइप का, गूगल में हैप्पी होली लिखिए, जैसे ही आएगा वहाँ पर क्लिक करिए तो आपके स्क्रीन में रंग बिरंगा कलर छा जाएगा, इस तरह ही कुछ अपडेट है। लेकिन मेरा सवाल इस कलर से है कि वर्ल्ड का कौन सा ऐसा कलर है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, आप लोग पता है तो पता है या नहीं पता तो हम आपको बताते हैं, वो है ये कलर जो बैकग्राउंड में देख रहे हैं, ब्लू कलर जो है वर्ल्ड के 10 बड़े कंट्री में सबसे ज़्यादा पसंदीदा कलर है, इस तरह की कुछ न्यूज़ निकल के आ रही है। आपको ये चीज़ पता था, कमेंट में ज़रूर बताइए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है रज़ा खान, आप देख रहे हैं टेक बॉक्स मॉर्निंग में। काफ़ी ज़बरदस्त वीडियो डाल दिया आज का, ज़रूर देखिए। बात करते हैं पोल की, हमने आपसे पूछा था बहुत इंटरेस्टिंग, किस ब्रांड का फ़ोन आप यूज़ करते हैं, क्योंकि मुझे एक फ़ोन लेना है और मैं देख रहा था भैया के यूजर किसका ज्यादा है। 69% लोगों ने कहा रियलमी, 14% लोगों ने कहा शॉमी, रेडमी, पोकी, और कुछ 15% या 16% लोग बोल रहे हैं कि अदर। अब मैं सोच रहा हूं कि फोन लूं या नहीं लूं रेडमी पोको शॉमी का, आप बताइए कमेंट में। चलिए पहली अपडेट के साथ बढ़ते हैं, तो बात करते हैं व्हाट्सएप की। व्हाट्सएप में बहुत ही जबरदस्त, यहां पर पता नहीं फिर से यह हिल गया काहे के लिए, हाँ तो व्हाट कर रहे हैं व्हाट्सएप की। तो ऐसा बताया जा रहा है कि जो व्हाट्सएप है उसमें एक पिन वाला फीचर्स आ गया है, जिसमें किसी भी मैसेज को आप पिन कर सकते हैं, और पिन में क्या होगा कि वो याद रखेगा। दूसरा जो अपडेट निकल के आया है इसी व्हाट्सएप से कि व्हाट्सएप में AI जनरेटेड इमेज बनेगा जो अलग अलग कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करेगा, इस तरह की कुछ अपडेट है। जब आएगा तो आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। अगली अपडेट आ रही है टाटा नैनो SUV की तरफ से। टाटा के एक जबरदस्त कार टाटा नैनो, आप लोगों को पता है भैया लाख रुपए में जबरदस्त फीचर्स देता था, लेकिन अब लाख रुपए का नहीं रहेगा, लेकिन सबसे सस्ता SUV रहेगा, वो भी इलेक्ट्रिक में आने वाला है बहुत ही जल्दी, और देखने को मिलेगा जब आएगा तो आपको सारी। अगली अपडेट आ रही है नासा की तरफ से। नासा कल कुछ पी लिया था होली से पहले, और उसके बाद पता चला कि वो जूम किया प्लूटो को, और प्लूटो का चांद उसे नजर आ गया है जो आप देख सकते हैं। वैसे हमारा चांद ज्यादा खूबसूरत है या प्लूटो का, या फिर आपका पर्सनल चांद जो आप देखा करते हैं दूसरे के घरों में जाकर, औरत का चक्कर बाबू भैया, वो चांद कि कौन सा ज्यादा ब्यूटीफुल है कमेंट में जरूर। अगली अपडेट आ रही है एप्पल की तरफ से, S18 बायोनिक चिप आने वाला है आईफोन का 16 प्रो के ऊपर, इस तरह ही कुछ अपडेट निकल के आ रही है। वहीं एप्पल का अगला खबर आ रहा है कि बहुत ही जल्दी एप्पल का विजन प्रो चाइना में लॉन्च किया जाएगा, बहुत ही जल्दी, इस तरह ही कुछ अपडेट है। ऐसा क्यों हो रहा है और क्यों कर रहा है ऐसा कमेंट में जरूर बताएं। वक्त हो आपके सवाल लेने का, सुखी जी का सवाल है बहुत ही इंटरेस्टिंग कि भैया मेरा बैटरी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रहा है अपडेट के बाद। देखिए अपडेट अभी आया है ना, अर्ली एक्सेस मिला है, 5-6 दिन रुक जाइए, ये स्टेबल हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद जो है बैटरी फिक्स हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, हम वीडियो आपको दे देंगे, स्टे ट्यून करिए, सब्सक्राइब करके रखिए। अगली अपडेट आ रही है शॉमी की तरफ से, शॉमी का जो CV4 लॉन्च हुआ है चाइना में, वही सेम फोन इंडिया में आएगा, शॉमी का 14 CV बन के, इस तरह की कुछ अपडेट निकल के आ रही है, जब आएगा तो आपको सारी डिटेल। अगली अपडेट आ रही है रियलमी 12X की तरफ से, ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो X है सबके लाइफ में क्रिसमस आ रहा है, तो ये जो X है 50 मेगापिक्सल का कैमरा इसमें होने वाला है, हम थोड़ा सा भावनाओं से हट जाते हैं सॉरी उसके लिए, लेकिन 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर होगा इसमें कैमरा का, और 2 मेगापिक्सल का यहाँ पर एक दे देगा। अगला बात करते हैं कि इसका जो डिस्प्ले है IPS पैनल देखने को मिलेगा, 5000 mAh का बैटरी, 45 वाट का फास्ट चार्जिंग, अंडर 15,000 ये फोन लॉन्च होता है, तो आप इसे लेना चाहेंगे कमेंट में। अगली अपडेट आ रही है रियलमी GT Neo 6 SE की तरफ से, ऐसा बताया जा रहा है कि इसका डिस्प्ले का इन्फॉर्मेशन बाहर आ गया है, 8E वाला LPT वाला डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जिसका पीक ब्राइटनेस जो है नॉर्मल में 150 nits रहेगा, और पीक ब्राइटनेस जो जाएगा भैया वो 6000 nits तक का जाएगा, और अब तक का सबसे ब्राइटेस्ट बोल सकते हैं कि इसका डिस्प्ले है, इस तरह ही कुछ अपडेट है। आपको जो भी लगता है इसके बारे में, वैसे स्नैपड्रैगन 7th Generation 3 वाला प्रोसेसर के साथ ये लॉन्च होगा, जब आएगा तो आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। अगली अपडेट आ रही है सैमसंग की तरफ से, सैमसंग का जो लैपटॉप है सैमसंग Book 4 ये जो है लॉन्च हो गया है 74,000 रुपये में, और 4i5 13th Generation वाला प्रोसेसर देखने को मिलेगा, और SSD वगैरह है, 32 GB का रैम या 16 GB का रैम आई थिंक इसमें देखने को मिल रहा है, लेना चाहेंगे आप कमेंट में। अगली अपडेट आ रही है iQOO का Pad 2, ये जो है
बताया जा रहा है डेमेंसिटी 9300 के साथ लॉन्च होने वाला है। अब देखिए इंडिया में जब आएगा तो आपको सारी डिटेल। अगली अपडेट आ रही है मोटो रेजर 50 अल्ट्रा इसी सर्टिफिकेशन में लिस्ट हो गया है। वहीं मोटो का एक और फोन मोटो एज 50 प्रो ये जो फोन है लॉन्च होने वाला है 12GB रैम 512GB इंटरनल स्टोरेज के साथ, जब आएगा तो आपको सारी दोस्तों। टेक न्यूज ज्यादा नहीं था, होली चल रहा है तो भैया माहौल भी रंग बिरंगा है, तो आप लोग थोड़ा खेलने पे ध्यान दीजिए और नीचे जो बटन है उसको भैया होली के जैसा दाबिए लाल हो जाएगा। इधर सब्सक्राइब का बटन है उसको भी दाबेंगे तो लाल हो जाएगा और जिंदगी में लाल लाल करते करते हमने लाल टी शर्ट पहन लिया है। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई भी सवाल कमेंट में पूछिए। देखिए टॉकिंग स्किल को जो है इस तरह से बढ़ाए जैसे हम लाल लाल पे हर कुछ लाल कर दिए, तो आप भी लाल करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।